माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं और मौसम के बनिस्बत। और आजकल इसी परेशानी से मैं भी गुजर रही थी। बहुत कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी ये होम रेमेडी अपने बालों में अप्लाई करी और 3 दिन के ही एप्लीकेशन से मेरे जो बालों का गिरना था वो काफ़ी हद तक कम हुआ। तो अपने इसी एक्सपीरियंस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जो लोग भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो इस रेमेडी को अपने बालों पर अप्लाई करें और फिर देखिए क्या जादू होता है आपके बालों के साथ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। पूरा जो तरीका मैं बताऊँगी उसी तरीके से आप लोगों को इस रेमेडी को अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस रेमेडी में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इस रेमेडी के लिए मुझे जो चाहिए वो है एक प्याली दही। दही बालों को घना और मजबूत बनाता है। इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो बालों को मजबूत करता है और लैक्टिक एसिड भी होता है जिससे बालों में काफ़ी फायदे होते हैं। और ये है 1 चम्मच नीम पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने बाल जड़ पाउडर लिया है जिसे जटामासी भी कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये दही में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी लम्स ना रहने पाए। ये जो तीनों जड़ी बूटियाँ हैं ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और मैंने इसे अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है, कोई भी लम्स नहीं है। दोनों पाउडर बहुत अच्छे से दही में मिक्स हो चुके हैं। अब ये पेस्ट हमारा बालों में लगाने के लिए रेडी है। सबसे पहले हम बालों की अच्छे से कॉम्बिंग कर लेंगे, सारे बाल को खूब अच्छे से सुलझा लेना है। बाल सुलझे होंगे तो जो पेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से हमारी स्कैल्प पर लग जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा उलझन होती है अगर बाल उलझे हुए होते हैं तो। बाल मैंने झाड़ तो लिए थे और इसको एक बार मैंने फिर से मिक्स किया है और अब मैं इसे अपने स्कैल्प पर लगाऊंगी। पूरे सर में बहुत अच्छे से लगाना है, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आप लोग हाथ से लगाना चाहें तो हाथ से लगा लें, अगर आपके पास मेहंदी वाला ब्रश है तो उससे भी लगा सकते हैं। मैंने हाथों से ही लगाया और मैं पूरे स्कैल्प पर बहुत अच्छे से लगाऊंगी। तो मैंने जो इसमें नीम पाउडर मिलाया था तो नीम पाउडर जो होता है वो बालों की जड़ को मजबूत करता है और इससे बालों का झड़ना रुकता है और नए बाल निकलते हैं और इससे बालों की जो सफाई होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है। जो भी हमारे स्कैल्प पर एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है, इससे बालों में एक वॉल्यूम आता है, बाल हो जाते हैं हमारे बहुत काले और घने। तो ये तो इसके नीम के फ़ायदे रहे। और जो मैंने इसमें बाल झड़ मिलाया था तो बाल झड़ जो होता है वो बालों की जो रंगत होती है उसे काला करता है। जो टाइम से पहले कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं अगर वो लोग लगातार बाल झड़ का इस्तेमाल करें तो ये इससे जो बाल होते हैं वो कुदरती ब्लैक हो जाते हैं और बालों को ये गिरने से रोकता है, बाल काफ़ी मजबूत होते हैं। तीसरा और मेन जो इंग्रेडिएंट्स है दही, तो दही जो होता है वो हमारे बालों को घना और मजबूत बनाता है और दही में प्रोटीन बहुत होता है जो बालों को काफ़ी मजबूती देता है। दही में लैक्टिक एसिड भी होता है जो जो सर होता है उसको काफ़ी मजबूत करता है, यानी कि स्कैल्प जो होता है उसको मजबूत करता है, जो मृत कोशिकाएँ होती हैं उन्हें साफ़ करता है। तो दही हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए मैंने अपने पूरे स्कैल्प पर बहुत अच्छे से इस पेस्ट को लगा लिया है और इसको लगाने के बाद बहुत हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है, जैसे हम ऑयलिंग में करते हैं, लेकिन काफ़ी हल्के हल्के हाथों से करनी है क्योंकि बाल अगर झड़ रहे होंगे तो अगर तेज़ तेज़ आप लोग मसाज करेंगे तो बाल गिरने लगेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से मैं पूरे अपने सर की मसाज कर लूँगी और जो पेस्ट बचेगा लास्ट में उसे मैं अपने जो नीचे लटे हैं उस पर लगा लूँगी।
वेस्ट नहीं करना है, सारा जो पेस्ट है वो अपने बालों में ही अप्लाई करना है। इस तरीके से आप लोग लगाइए, और जब ये पूरा मसाज कर लेंगे हम इस पेस्ट की, उसके बाद कम से कम इसको आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए लगा कर रखना है। और उसके बाद आप लोग कोई भी जो हर्बल शैम्पू हो उसे अपने बालों को धो सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा अप्लाई हो चुका है और इस स्कैल्प में लगाने के बाद थोड़ा सा बच गया था, तो वो मैं अपने बालों की जो लटे हैं नीचे का पोर्शन है उसमें लगा लूँगी इस तरीके से। और जो भी पेस्ट है वो बस आपको पूरा सर में अपने लगाना है, और ध्यान ये रखें कि अपने बालों की जो लेंथ है और उनका जो घनापन है उसके हिसाब से ही इस पेस्ट को बनाना है। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई थी ये काफ़ी है। अब मैं सारे बाल समेट कर एक क्लचर लगा लूँगी और 1 घंटे के लिए इसको लगा कर रखूँगी, फिर 1 घंटे के बाद अपने बाल वॉश कर लूँगी। आधा घंटे के बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है हर्बल शैम्पू से, और हर्बल शैम्पू ही यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी शैम्पू आप लोग यूज़ कर सकते हैं फिर वो कर लीजिए, और अगर बेहतर ये होगा कि आप वो कोई भी ये केमिकल वाले शैम्पू ना ही यूज़ करें, क्योंकि हमने बालों में ऑयलिंग तो की नहीं है, तो प्लेन वाटर से भी बाल हमारे साफ़ हो जाएंगे। अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो फिर शैम्पू कर लीजिए, वरना अगर आप घर में ही और एक ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जो इसका तरीका है उसे ही फॉलो करें, फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें दही बहुत ढेर सारा था तो मेरे बालों की डीप कंडीशनिंग हुई है। ये देखिए, बाल मेरे शाइन कर रहे हैं और छूने में काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैं ये वाला जो अपना ट्रीटमेंट है ये 21 दिन तक करूँगी, 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस रेमेडी को लगाना है। और आप लोग भी लगाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी, आपके बालों का गिरना बंद हुआ या नहीं। तो अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रेमेडी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।